हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्याज पकौड़ा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 500 ग्राम प्याज लेंगे, उसे अच्छी तरह छील कर धो लेंगे और उसे चॉप कर लेंगे। कटे हुए प्याज को एक बड़े बॉल में लेंगे, उसमें एक स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून आमचूर पाउडर, 1 स्पून जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट लेंगे। बाइंडिंग के लिए 1 कप बेसन और 1 कप वाटर मिलाकर अच्छी तरह मिला लेंगे। पकौड़ा क्रिस्पी हो उसके लिए 1/2 कप कॉर्नफ्लोर लेंगे। ये सारे चीज़ों को अच्छी तरह मिलाकर टाइट बैटर बनाएंगे। अब लोहे की कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। स्पून की सहायता से तेल में बैटर को डालेंगे, फिर अच्छी तरह मीडियम फ्लेम में पलट कर पकौड़ों को डीप फ्राई करेंगे। इस तरह हमारा पकौड़ा तैयार हो जाएगा। अब तैयार पकौड़ों को धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे।